मदनी साहब को तो अभी यह विचार करना चाहिए, जिसको विज्ञान ही 5000 वर्ष मानता है कि 5000 वर्ष पुरानी सनातन है, और राम सेतु को भी मानता है कि 7000 वर्ष पहले है। 1400 वर्ष पुराना ही इस्लामिक है, 2000 वर्ष पुराना क्रिश्चियन धर्म है। उस मदनी जी का बयान का कोई मायने नहीं रखती है, और मैं मीडिया से भी निवेदन करूँगा ऐसे विषय को बार बार उछाला ना जाए, क्योंकि वो लोग मीडिया में बनने रहने के लिए ही ऐसे बयान देते हैं। सनातन एक ऐसा धर्म है जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, इसकी अनेक आदि पुराने धर्म है, और ऐसे बयानों का कोई ताल्लुक नहीं रहता। हाल फिलहाल में जो उन्होंने बोला है तो कि सनातन इस्लामी पुराना है, तो इस्लाम तो अभी 1400 वर्ष ही उनका आया हुआ है, और सनातन तो हमारी आदि अनंत है। हमारे वेदों को उठा दीजिए, ग्रंथों को देखो, उठा कर देख लीजिए, और महामुनियों का कथन को उठा दीजिए, और ईसा छठी का बिहार का इतिहास देखिए। बिहार का इतिहास उस समय का जो बताता है कि छठी ईस्वी ईसा का बिहार का इतिहास यानी भारत का इतिहास था, उस समय यह बताता है कि सनातन बहुत आदि है, अनंत है। तो मदनी जी का बयान का कोई मायने नहीं रखती है, और ऐसे धर्म गुरुओं का, उनका पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि 1947 तक जो भारत है गजवा हिंद पे काम करेगा, तो ऐसे बयानों को कोई मायने नहीं रखता हो। और ऐसे बयानों को मैं एक हिंदू धर्म गुरु होने के नाते मैं ऐसे बयानों को खारिज करता हूँ, इसका अवहेलना करता हूँ कि ऐसे बयान उनको सोच समझ देना चाहिए, क्योंकि सनातन जो है आदि अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है।